अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि एप्लीकेशन जो अपना यूज़ कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो आपको व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद इस तरह का से एप्लीकेशन दिखेगा, अल्टेक रिमोट 1.1 ऐप करके, तो उसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे इंस्टॉल किया जाएगा, तो उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल होने देना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे सर्च एंड कनेक्ट डिवाइस करके लिख के आएगा, तो आपको क्या करना है, उसको टच नहीं करना है। तो आपको सीधा नीचे जाना है और वाईफाई ब्लूटूथ जो डेटा है वो बंद करना है, और वाईफाई पर उंगली दबा के रखना है और वाईफाई पर ओपन करना है। वाईफाई ओपन करेंगे तो अल्टेक करके वाईफाई में लिख के आएगा डिवाइस, उसको टच करना है। वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड जो है पासवर्ड दिया जाएगा, तो वो पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद कनेक्ट करना है, फिर सर्च एंड कनेक्ट पर टच करना है, तो इस तरीके से वो खुल के आएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि अनलॉक जो बटन है, ये अनलॉक वाला सबसे ऊपर अनलॉक लिखा है रेड कलर का बटन, उसको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो घड़ी में, जैसे कि ये घड़ी है, तो जहाँ पे इशराक लिखा है, देखो नीचे एकदम नीचे इशराक लिखा है, वहाँ पे अनलॉक लिख के आएगा ये घड़ी। उसमें देखो शहर लिखा हुआ है, शहर, वहाँ पे अनलॉक लिख के आएगा। और ये बड़ी घड़ी में फजर जहाँ पे लिखा है, अव्वल आखिर का जो टाइम होता है उसके नीचे जो डिस्प्ले होता है उसमें अनलॉक लिख के आएगा, तो वहाँ पर अनलॉक लिख के आएगा। तो अनलॉक लिख के आएगा, उसके बाद करना ये है कि अजान सेट वाला बटन दबाना है, जो येलो कलर का बटन है अजान सेट, उसको टच करना है। जैसे अजान सेट का टच करेंगे तो जैसे फजर, जहर, असर, मगरिब, ईशा, जुमा, जैसे कि देखो ये बड़ी घड़ी में ये फजर, जहर, असर, मगरिब, ईशा, जुमा जो डिस्प्ले दिख रहा है ग्रीन कलर के अंदर, तो उसमें फजर के अंदर ब्लिंक होएगा, 15 मिनट ब्लिंक होगा या 20-30 मिनट होगा, 15-20 अलग अलग डिस्प्ले में ब्लिंक होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि फजर की अजान और जमात के बीच का डिफरेंट जो होता है, जैसे कि 5:30 की फजर की जमात है, तो 5 बजे अजान होती है, तो 5 बजे अजान होती है और 5:30 की जमात खड़ी होती है, तो 30 मिनट का डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे 30 लिखना है। फिर 30 लिखने के बाद आपको करना ये है कि एंटर बटन दबाना है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये एंटर बटन दबाना है। एंटर बटन दबाने के बाद फिर जोहर में आएंगे आप, तो जोहर में भी डिफरेंट लिखना है अजान और जमात के बीच का, फिर वो लिख के फिर से एंटर बटन दबाना है। फिर असर में आएंगे, असर में भी इस तरह डिफरेंट लिखना है और एंटर बटन दबाना है। इस तरह करके जुमा तक पूरा डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद करना है मल्ट सेट, ये मल्ट सेट ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, वो मल्ट सेट बटन दबाएंगे तो फिर से जहाँ मैंने बताया कि फजर, जोर, असर, मगरिब, ईशा डिस्प्ले, वही डिस्प्ले में फजर में वो 5:10:15 लिख के आएगा। तो उसमें करना ये है कि फजर के अंदर, जैसे कि अपने जमात जो रोज़ाना बढ़ाते गढ़ाते हो, कभी 5-5 मिनट से बढ़ाते गढ़ाते हो, 10 मिनट से बढ़ाते गढ़ाते हो, 15 मिनट से बढ़ाते हो या घटाते हो, तो वो डिफरेंट करना है। वो डिफरेंट कैसे करेंगे, जैसे कि 5 लिखा हुआ है, आपको 10 मिनट से बढ़ाना घटाना है, तो ये ऑप्शन वाला बटन दिख रहा है, ये ऑप्शन वाला बटन टच करेंगे तो 5 मिनट से 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, और 20 मिनट जो बताएगा, 20 लिख के आएगा, तो समझ लेने का कि फिक्स टाइम करने के लिए, जैसे कि 1 मिनट बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं, एकदम परफेक्ट जो आपके हिसाब से करना हो कि एकदम परफेक्ट रहे, उसको आगे भी नहीं जाए पीछे भी नहीं जाए, मैनुअल में करना, तो 20 आएगा तो वो मैनुअल है और 5:10:15 वो ऑटोमेटिक होगा। इस तरह जैसे कि फजर में आया, फिर जो एंटर बटन दबाना है, फिर एंटर बटन दबाने के बाद जोहर में 20 वो तो फिक्स ही रखते हैं, तो एंटर बटन दबाएंगे। फिर असर में देखना है कि आपको 5 मिनट बढ़ाना है या 10 मिनट बढ़ाना है, तो मैंने ऑप्शन वाला जो बटन बताया 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, ऑप्शन वाला बटन काम करेगा जो करना है। फिर जो भी रखना है, जैसे कि 5 मिनट रखना है आपको, तो 5 मिनट आएगा तो आपको फिर से एंटर बटन दबाना है।
ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करना ये है कि एक नंबर बटन, ये एक नंबर बटन देख रहे हो, ये फजर के लिए है, दो नंबर जोहर के लिए, तीन नंबर असर के लिए, चार नंबर मगरिब के लिए, पाँच नंबर ईशा के लिए, छः नंबर जुमा के लिए, सात नंबर सहरी के लिए, आठ नंबर इफ्तार के लिए। तो एक नंबर जैसे ही बटन दबाएंगे तो फजर में ब्लिंक होना चालू हो जाएगा। तो जैसे कि आपको घड़ी के अंदर लिखना है, जैसे फजर की जमात जो है 5:55 की है, तो 5:55 लिखना है, जैसे कि 5:55 लिख के एंटर बटन दबाना है। ये एंटर दबाने का मत भूलना, ये एंटर बटन दबाना है। फिर दो नंबर जोहर का करना है, तो दो नंबर जोहर में बटन दबाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या क्या, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा लिखने में। जैसे कि 2 बजे की जमात है तो 0200 करेंगे तो एंटर कंप्लीट आएगा। तो उसके बाद फिर एंटर दबाना है। इस तरह 6 नमाज़ों के टाइम सेट करना है। सहरी इफ्तार भी इसी तरह ही सेट होगा। खाली एक चीज़ याद रखने की ये है कि जुमा, ईशा और जोहर तीनों जमातों के टाइम लिखते समय 0 से स्टार्ट करना होगा। बराबर, ये बात समझ गए? कोई भी जमात का टाइम सेट करो, उसके बाद एंटर दबाना ना भूले। फिर उसके बाद मेनू वाला बटन दबाना है। मेनू, ये देखो, ये मेनू वाला। जैसे मेनू वाला बटन दबाएंगे तो मैंने जो बताया था डिस्प्ले में अनलॉक का जो सिस्टम आता है उस पर, जैसे कि सब सिस्टम बताएगा उसमें, जैसे कि आप अजान सेट लिखेंगे, टच करेंगे तो नीचे अजान सेट लिख कर डिस्प्ले आएगा। फिर मल्ट सेट करेंगे तो मल्टी सेट लिख के आएगा। जमात का टाइम सेट, एक नंबर बटन जो जब दबाएंगे तो जमात टाइम सेट लिख के आएगा। इस तरह मेनू में नीचे क्लॉक लिख के आएगा। क्लॉक में करना ये है कि 24 घंटे के हिसाब से टाइम सेट करना है। 24 घंटे, जैसे कि आपने लिखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 जो टाइम टेबल है, जो 24 घंटे वाली घड़ी में, इस तरह का टाइम लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद इंग्लिश मंथ डेट लिख के आएगी, इंग्लिश डेट, वो इंग्लिश डेट वो लिख के फिर एंटर बटन दबाना है। उसके बाद इंग्लिश मंथ लिख के आएगा, इंग्लिश मंथ कंप्लीट करके उसको एंटर करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश साल आएगा, उसको भी टच करना है। इस तरह से हिजरी डेट, फिर आएगा हिजरी मंथ, ये सब करने के बाद सबको एंटर दबाना है सीधे सीधा। फिर ये कंप्लीट सेटिंग हो जाए तो आपको कंप्लीट होके फिर उसको क्या करना है, वाईफाई बंद करके एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है।